मोदी डरते नहीं है, मोदी और बाबा डरते नहीं है, डराते हैं, डराते हैं। गुजरात को लंदन अगर बनाएंगे तो मोदी जी बनाएंगे, और हिंदुस्तान को अगर लेके इतना अच्छे वो उस पे गए हैं तो मोदी जी लेके गए, और मोदी जी के अलावा कोई देश को चला नहीं सकता, सुधार नहीं सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र, मेरा नाम है विनोद शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली जहां के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब जीता तो नजर पड़ गई मोदी के गढ़ गुजरात में। गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, और अरविंद केजरीवाल का वहां की जनता से जो दावा है, जो वादा है, वो पूरी तरीके से दिल्ली मॉडल को दिखाते हुए किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली मॉडल आखिर क्या है, मैं राजधानी दिल्ली में ही मौजूद हूं और जनता से जानने ये आया हूं कि जिस दिल्ली मॉडल को दिखाकर गुजरात की जनता से एक मौका अरविंद केजरीवाल मांग रहे हैं, आखिर वो दिल्ली मॉडल क्या है। राजधानी दिल्ली की जनता से ही बातचीत करते हैं। सर, आम आदमी पार्टी पूरी जान लगा रही है अब की बार मोदी के गढ़ यानी गुजरात में, क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल की लगातार रैलियां, लगातार सभाएं और वहां पर अरविंद केजरीवाल के वादे। उनका ये कहना है कि गुजरात की जनता ने मुझे अपना भाई, अपना बेटा मान लिया है, अब गुजरात की जनता मोदी को हटाएगी और केजरीवाल को लाएगी। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है गुजरात में। गुजरात के लोगों को उनको पहचानना है तो उनसे जाके पूछो, उनके घर घर पे वो जो कहते बिजली दे देंगे, ये दे देंगे। वहां के लोगों को फ्री की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, उनके घर घर में सोलर लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो रही पहले उन्होंने दिल्ली संभाला था, दिल्ली तो संभाल नहीं पाए, लोगों को दारू पिला पिला के लोगों के किडनी गुर्दे खराब कर दिए, कितने लोग मर चुके हैं, किसी का भाई चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का कोई चला गया, इतना सारा कुछ उन्होंने किया। तो गुजरात के जनता को बकलाने की कोई जरूरत नहीं है, वहां की जनता बहुत ज्यादा समझदार है। वो कह रहे हैं जनता समझदार है, जब भी तो अब की बार मोदी को भगाएगी, केजरीवाल को लाएगी। मोदी को कोई ना भगा पाया है ना भगा पाएगा। मोदी जी ने गुजरात में अच्छा नहीं किया होता ना तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं होते वो। हमारे देश के लिए, हमारे देश के लिए उन्होंने अच्छा किया गुजरात में तो आज हमारे देश के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। आज हमारा देश तीसरे नंबर पे है और इतना अच्छा जा रहा है, मोदी जी का जगह जगह नाम हो रहा है, और विकास देखो कितना बढ़िया मोदी जी ने किया है। तो गुजरात में मोदी के अलावा कोई नहीं। वो कह रहे हैं दिल्ली मॉडल देखो गुजरात वालों, दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल मतलब दिल्ली वालों को देखो मैंने किस तरह दारू पिलाई है, जिनके किडनी गुर्दे फेल हो गए हैं, और तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हारे भी फेल करेंगे हम। वो कह रहे अब की बार झाड़ू चलेगी, मोदी को उखाड़ फेंकेगी गुजरात की जनता। झाड़ू ऐसे चलेगी ना कि फालतू लोग हैं उन्हें भगाओ, जल्दी से भगाओ, तो झाड़ू वो लगेगी ना जो वहां पे अगुड़ा कूड़ा करकट है ना, उसको लेके जाएंगे। वो मोदी जी को नहीं लेके जाएंगे, किसी भी हालत में नहीं ले जाएंगे। कह रहे हैं दिल्ली की जनता तो मुझे प्यार करती है, गुजरात की जनता दुलार करेगी, गुजरात की जनता अब की बार अपने बेटे अपने भाई को मुख्यमंत्री बनाएगी और गुजरात में सत्ता सौंप देगी। दिल्ली की जनता यही बात प्यार करती थी कि लोगों को दारू पिलाओ और उसके बाद उसका बेटा मर जाए और घर तक ना पहुंचे, यही प्यार करती। वही गुजरात में कर डालेंगे ताकि वहां की भी बहन बेटियां विधवा हो जाए और पी के अपने घर तक ना पहुंचे, रास्ते में करते हिया हिया ऐसे करते, रास्ते में पहुंचे ही ना, ठीक है ना। तो गुजरात के लोगों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है कि उनको मालूम है कि हमारे गुजराती भाई कितने अच्छे हैं, ठीक है ना। बात बताइए क्या दिक्कत थी, अगर एक पे एक फ्री चलाई थी, सबसे बढ़िया योजना चलाई थी तो पहली बात पानी के टंकी में भर दो, साला बाथरूम में जाए घोला पिया हो गया, अब बाथरूम से दूसरे को बाथरूम लगी है और बाथरूम से बाहर नहीं आ रहा। अरे यार मैं तो नशे में हूँ कैसे फंसाने के लिए गुजरात से हार गए हैं, डर गए हैं मोदी, इसलिए मनीष सिसोदिया को फंसा रही है बीजेपी, ये कहना है केजरीवाल का। मोदी को न कोई डरा सका है न डरा पाएगा, मैं बता रहा हूँ। अगर डरने वाले हैं, अगर मोदी डरते तो आज हमारे हिंदुस्तान में बम फूटते, ठीक है ना। मोदी डरते नहीं है, मोदी और बाबा डरते नहीं है,
डराते हैं कि गलती से कोई गुनाह मत कर देना, नहीं तो बुलडोजर भी चल सकता है। अभी तो चाय वाला है और कहीं गलती से गाय वाला आएगा ना तो बहुत ज्यादा गोबर हो जाएगा। दिल्ली को लंदन बना दिया, केजरीवाल कह रहे हैं अमेरिका बना दूंगा गुजरात को। एक मौका दे दो गुजरात वालों, एक आपको भी तो एक मौका दिया, वहां तो चिट्टे भी रहे, इतने उतने चिट्टा पी के मर रहा है बंदा, कमाल की गल करते पे ठंडरस लगा रही है, उठे चिट्टा पी रहा है बंदा, उठे बंदे मरते पे हैं। पंजाब को भी तो दिया मौका, उठे बंदे मरते पे हैं दिल्ली में, गुजरात को मानना है क्या? तो पंजाब के मुख्यमंत्री भी घूम रहे हैं गुजरात में केजरीवाल के साथ साथ, तो वो भी चाहते ना जिस तरह पंजाब पागल हो रहा है वैसे वहां गुजरात को पागल कर दे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा और कभी नहीं होगा। मोदी के अलावा गुजरात कोई नहीं, कोई नहीं आने वाला है। तो कह रहे हैं मैं जादूगर हूँ, जादूगर अरविंद केजरीवाल जादूगर है। गुजरात की जनता बदारी है, वो बंदर है, वो नाचेगी डबक 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 डबरू बाजे नाचेगी। बताइए गुजरात की जनता कहते हैं हीरे की चमक और हीरे की जो बोलते हैं ना जौहरी ही पहचानता है, वो गुजरात के लोग जौहरी हैं। पहली बात, दिल्ली को तो बना नहीं पाए, गुजरात को क्या बनाएंगे? उनको 20 साल जिस तरह शीला दीक्षित गुजरात दिल्ली छोड़ के हिली नहीं थी ना, उनको भी दिल्ली छोड़ के कहीं नहीं हिलना चाहिए था। और वो क्या बनाएंगे लंदन, वो क्या बनाएंगे गुजरात को लंदन? गुजरात को लंदन अगर बनाएंगे तो मोदी जी बनाएंगे, और हिंदुस्तान को अगर लेके इतना अच्छे वो उस पे गए हैं तो मोदी जी लेके गए, और मोदी जी के अलावा कोई देश को चला नहीं सकता, सुधार नहीं सकता है। क्या होगा फिर गुजरात में? गुजरात में जिस तरह गुजराती भाई चाहेंगे वैसे ही तरह डायमंड चमकेगा, ऐसे डायमंड चमकेगा जिस तरह मोदी जी चमकाए हैं गुजरात को। तो देख सकते हैं आप देश की राजधानी दिल्ली की जनता की आवाज, हालांकि इनकी बहुत बुलंद आवाज है, शायद केजरीवाल के कानों तक ये आवाज पहुंच जाए, लेकिन देखना यही है कि जिस वादे और जिस मॉडल को अरविंद केजरीवाल गुजरात की जनता के सामने पेश कर रहे हैं, जिस मॉडल को दिखाकर अरविंद केजरीवाल गुजरात की जनता से वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर वो मॉडल है क्या? देश की राजधानी दिल्ली की जनता ने कैमरे के सामने बताया। आप भी इस वीडियो पे, इस खबर पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा दिल्ली से।